अपनी रोजमर्रा जिंदगी
कहते हैं वालिदैन की इबादत। क्या मतलब? वालिदैन का हुक्म मानना, ज़ौजा के लिए शौहर की इबादत। क्या मतलब? शौहर का हुक्म मानना, शागिर्द के लिए उस्ताद की इबादत। क्या मतलब? उस्ताद का हुक्म मानना। इसी तरीके से अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह का हुक्म मानना, रसूल की इबादत यानी रसूल का हुक्म मानना, इमाम की इबादत यानी इमाम का हुक्म मानना। लेकिन यहां तो पर जिन इबादतों का रसिया मैंने किया, अब यहां पर एक सवाल यह पैदा होता है कि मैंने जिन इबादतों का जिक्र पहले किया, मामा, शौहर और उस्ताद, दूसरी तरफ अल्लाह, रसूल और इमाम, इन दोनों की इताअत में कोई फर्क है या एक ही दर्जे में या एक ही जैसी है? तो अजीजों याद रखिए कि इन दोनों इताअतों में एक इम्तियाजी फर्क है, और वो फर्क यह है कि चाहे वो मां बाप हो या शौहर हो या उस्ताद हो, बच्चों के लिए मां बाप की इताअत, सौजा के लिए शौहर की इताअत, शागिर्द के लिए उस्ताद की इताअत, वहां तक है कि जहां तक इनका हुक्म अल्लाह रसूल और इमाम के हुक्म से न टकराए। लेकिन जहां से इनका हुक्म शरीयत के हुक्म से टकरा जाए, अब वहां के ऊपर वालिदैन का हुक्म नहीं माना जाएगा, अल्लाह का हुक्म माना जाएगा। ज़ौजा के लिए वहां के ऊपर शौहर का हुक्म मानना जरूरी नहीं है, बल्कि शरीयत का हुक्म मानना जरूरी है। शागिर्द के लिए उस्ताद का हुक्म नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रसूल और इमाम का हुक्म होगा। इताअत क्या चीज है, इसको समझने के लिए हमें इंसानी जिंदगी की निहायत ही इब्तदाई मंजिलों का जायजा लेना होगा कि जब इंसान इस हालत में वजूद में आता है तो सबसे पहले मां बाप की इताअत पर आगे होता है, और जिस तरीके पर वालिदैन बच्चे की परवरिश करते हैं उसी तरीके पर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और मजबूर इतना है इंसान कि अगर इससे बचपन में इशारों में बातें न की जाए तो यह आप भी नहीं होता, करवट भी नहीं बदलता, लर्ज की इताअत ही इताअत है। और फिर जब यही इंसान सिर शुरू को पहुंच जाता है और इसे अक्ल सलीम हासिल हो जाती है, तो यही इंसान हुकूमत के बनाए हुए कानून पर अमल करने की कोशिश करता है। हालांकि आज का इंसान जमहूरियत के बात कर रहा है, आजादी का बात वाला है, लेकिन इस डेमोक्रेसी और जमहूरियत और आजादी के बावजूद जगह जगह के ऊपर बंदिशें हैं, जगह जगह के ऊपर रुकावटें हैं। अगर एक इंसान हुकूमत के बनाए हुए कानून के ऊपर अमल नहीं करता या हुकूमत के बनाए हुए कानून को तोड़ता है तो सजा का विधायक होता है, उसके ऊपर जुर्माना है होता है। तो बस सोचने की जा है, गौर करने को मकान है कि हुकूमत का बनाया हुआ कानून जो खुद हमारा अपना बनाया हुआ कानून है, तो जब हम खुद अपने बनाए हुए कानून पर अमल नहीं करते तो सजा के विधायक होते हैं। तो क्या अगर उस रब्बे कायनात के बनाए हुए कानून पर अमल नहीं करेंगे तो क्या हम सजा के मुस्तहिक नहीं होंगे? यकीन सजा के मुस्तहिक होंगे। लेकिन दीन इस्लाम के उसूलों का तकाजा यह है कि दीन इस्लाम के उसूलों को अपनी अक्ल की कसौटी पर रखें, अपनी अक्ल की कसौटी पर रखें। इसलिए कि इस्लाम एक तकलीदी दीन का नाम है, इस्लाम किसी तकलीदी दीन का
सौ तरीके से, हजार तरीके से, लाख तरीके से
कभी गौर किया आपने? ज्यादा से ज्यादा हजार तरीके से होता है, कभी इधर लाइट भेजेगा, कभी उधर लाइट भेजेगा, कभी बोर्ड भेजेगा, कभी चौकोर भेजेगा, लेकिन इतनी छोटी सी जगह इतना एयरपोर्ट, करोड़ों करोड़ इंसान गुजर चुके, करोड़ों करोड़ है, करोड़ों करोड़ आने वाले हैं, किसी की उंगली का निशान किसी दूसरे की उंगली के निशान से मैच चली करता। जी
पैगंबर के जान को बचा लेगा
से जा रहे हैं मौला, तब सुबानियों पर लगा है उस रब का कार्य करते जिस वक्त शरबत लिए मौला की पूरी जिंदगी के ऊपर आए तो मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद से और जब अपनी पूरी जिंदगी को दो मस्जिदों के बीच में पाया एक तरफ खाने ढाबा दूसरी तरफ मस्जिद कूफा आए थे खाने ढाबा में जा रहे हैं मस्जिद कूफा से अब जब दो मस्जिदों के बीच में अपनी पूरी हयात को पाया तो आवाज भी सुस्त रखी काबा है काबे के